प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को हमीरपुर जिला के बरसर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत ननावा के बिहार गांव में ठेंगा दिखाया जा रहा है, जहां पर एक ऊंची पहुंच वाले ठेकेदार की मनमानी के कारण सालों से प्रवासी मजदूरों के लिए शौचालय नहीं बनाए जा सके हैं, जिस कारण करीब 10 प्रवासी परिवार के सदस्य खुले में शौच जाते हैं, जिससे साथ लगती खड्ड का पानी दूषित हो रहा है, बल्कि गंदगी का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि इस बाबत ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रधान से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की है, लेकिन ठेकेदार की पहुंच के चलते आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। और आलम ऐसा है कि आज भी प्रवासी मजदूर हर दिन खुले में शौच कर गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों रिटायर्ड धनीराम का कहना है कि स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, लेकिन गांव में प्रवासी मजदूर सालों से गंदगी फैला रहे हैं, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इनके जो क्षण देने वाले हैं उनसे किराया लेते हैं, और हमने कई बार कहा कि ज्वाइंट यहाँ पर लैट्रिन बना दो उनके लिए, लेकिन उनका नहीं है, और ये गंद फैलाते हैं बाहर सब शौच में जाते हैं। तो ये शौचालय कहाँ जाते हैं ये लोग, बाहर खुले में, जिसकी कई रिपोर्टें हैं, और लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्यों इसके ऊपर इनकी शिकायत की। शिकायत वो डीसी को गई है, शिकायत पंचायत को भी कहते हैं। हाँ जी, पहली तो हमारी बाउंड्री पंचायत है, पंचायत को चाहिए कि इसके लिए ध्यान रखे, क्योंकि स्वच्छता अभियान जो है वो सार्वजनिक आम पेपर में आ रहा है, इसमें कहने की जरूरत। श्याम लाल का कहना है कि प्रवासियों की गंदगी फैलाने की शिकायत कई बार पंचायत प्रधान से लेकर डीसी तक की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे अब खड्ड के साथ लगती पेयजल स्कीम तक भी गंदा पानी पहुंच रहा है। एक बार बात हुई थी, मौके बोले थे इनको कि इनको शौचालय, उन्होंने बोले हमने सबको नोट्स दे दिए, अब कार्रवाई हुई या नहीं हुई है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अभी कोई 5 साल से कुछ 6 साल से यहाँ पर रहते हैं ये, लेकिन हम इनके ये विरुद्ध नहीं, हमें कहते हैं कि जो इनको शौचालय जो है, जो 2-4 कंपाइन शौचालय हों जहाँ भी जाएं, अदरवाइज ये लोग कहते हैं ये पूरी खड्डे इन्होंने खड्डों में शौच जाते हैं, और जिससे सरकार का जो जो हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं उस पर ठेंगा डाला जा रहा है। गौरतलब है कि रसूखदार ठेकेदार ने अपनी जमीन पर 10 से ज्यादा प्रवासी परिवारों को बियाड गांव में पिछले 8 सालों से ठहराया हुआ है, और ये प्रवासी जमीन पर झुंगियां बनाकर रहते हैं, तो बकायदा 200 प्रति परिवार किराया भी देते हैं, लेकिन इनके लिए आज तक शौचालय नहीं बनाए जाने पर खुले में ही शौच जाते हैं।